सब्सक्राइब कीजिए टेकी मंथन चैनल को और साथ में बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आप जो है फुल वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं टेकी मंथन। दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हमारे मदरबोर्ड में बजर लगा होता है या जिसे हम मदरबोर्ड का स्पीकर भी बोलते हैं, अगर वो आपके मदरबोर्ड में जो है नहीं लगा हुआ तो आप जो है एक्सटर्नल बजर कैसे लगा सकते हैं अपने मदरबोर्ड में और उसके कनेक्शन जो है कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप है अपने मदरबोर्ड के कनेक्शन का पता लगा सकते हैं कि आपके जो बजर के जो कनेक्शन है किस जगह पर कौन कौन सी वायर लगेंगी। और साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जब ऑनलाइन बाय करते हैं बजर और शॉप से बाय करते हैं तो उसमें फर्क क्या होता है, उनके प्राइस में भी जो फर्क क्या है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों मदरबोर्ड में जो बजर लगा होता है उसका काम होता है वो हमें बायोस बीप कोड देता है। बायोस बीप कोड की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पीसी में क्या एरर है। अगर आपको इन सभी चीजों के बारे में नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप जो है इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बायोस बीप के जो कोड्स होते हैं उनके बारे में डीपली नॉलेज दी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, मैं आपको पीसी पे चलकर एग्जांपल देने वाला हूं कि कैसे जो है आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो एक्सटर्नल बजर लगेगा वो मदरबोर्ड में किस जगह पर लगेगा और उसके कनेक्शन आपको कैसे करने हैं। तो हम सबसे पहले पीसी पे चलते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखना है, चाहे आपकी विंडो कोई सी भी है, आपको स्टार्टअप पे जाके वहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखना है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपको एंटर करना है। आपको यहाँ पर देखना है जो सिस्टम समरी होती है, इसमें जाकर आपको देखना है कि आपका जो पीसी का जो मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है वो क्या है। जैसे मेरा जो मैन्युफैक्चरर है मदरबोर्ड का वो है गीगाबाइट और जो मेरे मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है वो है HSEMWW। जब आपको अपने पीसी के मदरबोर्ड का जो मॉडल नंबर पता चल चुका है तो आपको ये जो है मॉडल नंबर गूगल पर सर्च मारना और इसका जो मैनुअल डाउनलोड करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे जो मैनुअल डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए मेरा गीगाबाइट टेक्नोलॉजी का मेरा मॉडल नंबर ये है तो मैं सबसे पहले इंटरनेट खोलूंगा, यहाँ पे मैं सर्च मारूंगा HSEMWW जो मेरे मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है और आपको अपने मदरबोर्ड का मॉडल नंबर लिखे उसके आगे लिखना है मैनुअल। जैसे मेरा जो मदरबोर्ड है वो गीगाबाइट का आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया है GAHSEMWW। तो मैं इसे ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। ओपन इन न्यू टैब करने के बाद आपको देखना है कि आप अपनी साइट पे जाके या फिर बाहर से भी आप जो है कहीं से इसका मैनुअल डाउनलोड करना है। जैसे जो मेरा मैनुअल जो होगा मेरे ख्याल से स्पोर्ट में होगा, तो स्पोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मैनुअल लिखा हुआ है। अब मैं जो मैनुअल है इसका डाउनलोड करता हूँ। मैनुअल डाउनलोड करने के बाद आपको जो PDF ओपन करनी है, फिर आपको क्या करना है कंट्रोल F करना है। कंट्रोल F में आपको लिखना है स्पीकर या फिर बीप कोड, आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ वर्ड आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने स्पीकर पे सर्च मारा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीकर और इसके जो कनेक्शन है यहाँ पे होंगे। ये देखिए ये पोर्ट जो दिया हुआ है स्पीकर का दिया हुआ है, ये मेरा मदरबोर्ड है। आप देखिए जो मेरे मदरबोर्ड की है मदर लेआउट दे रखी है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, तो स्पीकर है। अब हम नेक्स्ट पे सर्च मारते हैं तो इस पे भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्पीकर हेडर। आपको क्या करना है कि स्पीकर हेडर जो दिया हुआ आपको चार पोर्ट वो दिए हुए थे, उनमें चार जो है मेल जो जैक है तो उनमें आपको जो है जो अपना बजर होता है या कहीं स्पीकर होता है वो उसके कनेक्शन यहाँ पे करने हैं। आपको दे रखा है यहाँ पे जो पिन वन है जो इधर से शुरू होती है उस पर लिखा हुआ VCC। NC का मतलब होता है नो कनेक्शन और स्पीकर की माइनस, मतलब माइनस यहाँ पे लगेगा और VCC में जो है प्लस वायर लगेगी। अब आपको पता चल चुका है कि आपको जो वायर है कहाँ पे लगानी है। तो मैं जो बजर होता है वो अपने पीसी में लगा के दिखाता हूँ कि आप जो है अपना जो बजर कैसे लगा सकते हैं, उसके कनेक्शन जो है अपने मदरबोर्ड पर कैसे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कैबिनेट खोल के दिखाता हूँ अपनी और उसके कनेक्शन करते हैं हम बजर के। दोस्तों अगर आप जो है अमेजोन या किसी और साइट से बाय करेंगे ऑनलाइन से तो आपको जो है ऐसा मिलेगा जो हमारा बजर होता है जो एक्सटर्नल लगाने के लिए, ये वाला जो बजर आता है ये मैंने जो शॉप से बाय किया है। ये जो बजर है दोस्तों ये 5 वोल्टेज DC का में है और इसके साथ जो मैंने ये जम्पर वायर्स ली हुई है। ये मुझे जो ऑनलाइन बाय पड़ा था ये पड़ा था 200 से 250 के बीच में और ये मैंने जो बाय किया था ये मुझे 50 रुपए में पड़ा था। तो जो है आप शॉप से बाय करेंगे तो आपको ये जो है सस्ता पड़ जाएगा, पर आप ऑनलाइन बाय करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। फर्क ये भी है कि आप जो है लेंथ इसमें काफी लंबी लगा सकते हैं ये देख रहे हैं, और फर्क ये भी है कि जो इसकी साउंड है वो इतनी नहीं है पर इसकी जो साउंड है बहुत ज्यादा है, इसे ज्यादा दोगुनी ज्यादा इसकी जो साउंड है। तो मैं जो अपना बजर है ये लगाने जा रहा हूँ अपने मदरबोर्ड में। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि
मेरे मदरबोर्ड में यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है और ये बजर के लिए होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे चार पिन दी हुई है, आप मैनुअल में भी देख सकते हैं। जैसे मेरे की जो फर्स्ट पिन है वो VCC बताती है, सेकंड NC, थर्ड NC और जो फोर्थ है वो है नेगेटिव स्पीकर। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्स्ट है उसमें हमें जो पॉजिटिव होता है वो हमें जो है फर्स्ट में लगानी है और जो माइनस है हमारे बजर का वो हमें जो है नेगेटिव फोर्थ में लगानी है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो स्पीकर में एक साइड पे पॉजिटिव होता है एक साइड में नेगेटिव, तो आपको जो है वायर्स लगाकर जिन्हें हम जम्पर वायर बोलते हैं, आपको जो वायर्स ऐसे लगाने के बाद जो हमारा पॉजिटिव है वो आपको लगाना है मदरबोर्ड के VCC में और जो नेगेटिव हिस्सा है वो माइनस स्पीकर में। दोस्तों कई मदरबोर्ड होते हैं जिनमें जैसे जो साइन भी दिए होते हैं यहाँ पे, पर मेरे जो मदरबोर्ड में यहाँ पे साइन ही दिए, इसी करके मैंने ये यूजर मैनुअल में ही आपको दिखाया था। जैसे मेरे यहाँ पे फ्रंट पैनल में जो फ्रंट पैनल के जो भी पावर सप्लाई है हार्ड ड्राइव के लिए यहाँ पे है, जो मेरे साइन दिए हुए हैं पर स्पीकर के लिए नहीं दिए हुए। तो अब हमें पॉजिटिव साइड है वो हमें जो वायर है पॉजिटिव हिस्से में लगानी है। तो जैसे मैंने जो पॉजिटिव जो वायर है वो मैंने जो पॉजिटिव VCC में लगा दी है, अब हम जो है नेगेटिव जो है अपना जो वायर होती है जम्पर वायर उसे हम फोर्थ में लगाएंगे जो माइनस बजर को शो करती है। दोस्तों अब मैंने जो अपना बजर ऐसे लगा दिया है, आप देख सकते हैं जो मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जो मेरी रेड वायर है एक ऑरेंज है, रेड वायर जो मेरे VCC में लगी हुई है जैसे आप देख सकते हैं। आप जो डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं जो मेरा फर्स्ट है वो VCC प्लस का साइन है, मतलब जो VCC है वो वोल्टेज का है और जो नेगेटिव है वो स्पीकर का, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्क्रीन पर भी। तो दोस्तों आप जो ऐसे जो एक्सटर्नल बजर होता है या स्पीकर होता है वो आप ऐसे लगा सकते हैं अपने मदरबोर्ड में। दोस्तों कहीं जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें साइन दिया होता है, पर जैसे मेरे नहीं दिया तो यूजर मैनुअल की आपको सहायता लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप जो है सीधा यहाँ पे भी दे सकते हैं। अगर आपके मदरबोर्ड में अगर जो स्पीकर जो प्लस माइनस शो कर रखा है तो आप जो है बिना मैनुअल के भी डायरेक्ट जो है अपना बजर लगा सकते हैं। कई बार ये होता है कि अगर आपने वायर जो है गलत लगा दी है पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो जो हमारा बजर है बजता ही नहीं, या फिर क्या होता है कि जो उसकी साउंड होती है बहुत ही हाफ से भी हाफ होती है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपके मदरबोर्ड में जो है साइन नहीं दिए हुए हैं तो आप यूजर मैनुअल डाउनलोड करके या जो मदरबोर्ड का मैनुअल डाउनलोड करके इसमें आपको दे लेना कि आपकी पिन आउट जो है कौन कौन सी है और स्पीकर आपका जो मदरबोर्ड में कहां पे इंस्टॉल होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये पता चल चुका होगा कि आपको जो है बजर एक्सटर्नल कैसे लगाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक और शेयर कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेशन देते हैं ताकि मैं इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो को और बना सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप जो है नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन पा सके। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।